हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो मेरा लेटेस्ट वीडियो अब आ ही गया है। हमने जैसे अभी कुछ दिन पहले कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन डाला था, जस्ट टू टेक ओपिनियन एंड वोट चाहते थे कि कितने लोग चाहते हैं कि जिस तरह से एक बॉलीवुड का ट्रेंड चला था, बायकॉट बायकॉट बायकॉट, तो क्या एक बायकॉट फॉर दी पाकिस्तानी चैनल्स होने चाहिए थे। एंड आई एम शॉक्ड कि बहुत लोगों ने लिखा है, इंडिया से काफी लोगों ने लिखा है नहीं, लिटरली इंडिया से लिखा है लोगों ने नहीं। चलो ठीक है, जो लोग नहीं चाहते बायकॉट हो करना, दैट इज डेफिनेटली पूरा उनका डिसीजन है ये, और हम फोर्सफुली कोई डिसीजंस आपके ऊपर नहीं थोप सकते। ये मेरा खुद का एक इंडिविजुअल स्टैंड है, एजेंडा है। बिकॉज देखिए, आप रिएक्शन देना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, या आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है यूट्यूब एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मुझे प्रॉब्लम्स नहीं है उनके वीडियोस से, बट मुझे प्रॉब्लम्स इन चीज़ों से है कि अगर वो वीडियोस के थ्रू या अगर इंडिया से उनको इतना बेनिफिट मिलता है, तो फिर वो सो कॉल्ड इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे को ये करता है, इंडिया 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 के पीछे के इतने जोर जोर से नारे क्यों लगाते हैं? इनको क्यों लगता है कि इनके पीछे जो भी चीजें बर्बाद होती है वो सिर्फ इंडिया करता है, बाकी इनका भाई मुल्क बिरादर कुछ नहीं करता? तो ये मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा था, सॉरी टू से, बट वेरी डिसहार्टेड कि आप क्लियरली इसको लिख रहे हो कि हमें नहीं करना बायकॉट, हमें मजा आता है देखने के लिए, तो ठीक है, वंडरफुल फॉर यू गाइस, लेकिन मेरा अपना एजेंडा है तो वो मैं लेके चलूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम सोचते हैं उसे एक्सप्रेस फुल्ली करना चाहिए, एंड दैट इज अ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो शो करता है। तो आज इस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ और लास्ट में दूंगी अपना ऑनेस्ट ओपिनियन उसके लिए जिन्होंने अब तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ लोग देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन बनता रहेगा और कनेक्ट टू कनेक्ट हम एक चैन बना पाएंगे। सो दोस्तों, तो आज आपको बता दूं मैं कि जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ उसका बड़ा ज़बरदस्त एक हेडिंग है कि जो डीमोनेटाइजेशन इंडिया ने करा था, आपको मैं बता दूं आज पाकिस्तान जिस भी हालत में है वो कहीं ना कहीं इंडिया के डीमोनेटाइजेशन की वजह से भी अफेक्टेड है। हाउ, कैसे, क्या, ये सब जानते हैं हम अपने इस वीडियो पे, गेट सेट फैक्ट। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज की तारीख में जो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया है उसके पीछे एक मेजर वजह है, इंडिया का डीमोनेटाइजेशन। यस, यू हैड दैट करेक्ट। हाल ही में डीमोनेटाइजेशन के बाद ही इंडिया में सर्कुलेट हो रही फेक करेंसी का 40% हैंडल करने वाला पाकिस्तानी जावेद खानानी ने आत्महत्या कर ली। और आज की तारीख में पाकिस्तान की क्या हालत चल रही है? वेल, लोग कुकिंग गैस प्लास्टिक बैग्स में ले जा रहे हैं, सरकार अपने एम्प्लॉयज से लेकर एमपीस तक सभी की सैलरीज को रिड्यूस कर चुकी है, एंड इनफैक्ट पाकिस्तान के यूनियन मिनिस्टर ने तो अब ये तक कह दिया है कि अब से पाकिस्तान में एक वक्त की सिर्फ चाय पिया करो। लेकिन शायद पाकिस्तान को ये दिन नहीं देखना पड़ता अगर 2016 में इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन नहीं किया होता। In fact, 2016 तक तो पाकिस्तान अपने पंजाब और बलूचिस्तान के ऑफिशियल गवर्नमेंट करेंसी प्रेसेस में नकली इंडियन नोट छाप रहा था। जम्मू एंड कश्मीर के डेप्यूटी सीएम निर्मल सिंह का तो ये भी कहना है कि पाकिस्तान तो अपने करेंसी से ज्यादा फेक इंडियन करेंसीज को प्रिंट करता था, और इन्हीं फेक इंडियन करेंसी नोट्स से पाकिस्तान को हर साल 500 करोड़ का फायदा हो रहा था और इंडिया बर्बाद। पर अफसोस, ये सब डीमोनेटाइजेशन होते ही एक झटके में बंद हो गया और उनके पास पड़े 500 और 1000 रुपए के नोट रातों रात रद्दी बन गए। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार टोटल 1600 करोड़ की कीमत के FICN यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स 2010 में अब्रॉड से इंडिया में आए थे और इससे पाकिस्तान को कुल मिलाकर 500 करोड़ का फायदा हुआ। लेट मी एक्सप्लेन यू ये कैसे हुआ। सो डीमोनेटाइजेशन के पहले तक RBI को हर 1000 रुपए के नोट को प्रिंट करने में 29 रुपीज लग जाते थे, वहीं पर पाकिस्तान को इसके फेक वर्जन को बनाने में सिर्फ 10 रुपए ही ज्यादा लग रहे थे। तो पाकिस्तान ने इंडियन करेंसी के फेक नोट्स बनाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली इन फेक नोट्स को पाकिस्तान इंडिया या नेबरिंग कंट्रीज में ब्लैक में बेच देता था और 1000% के मार्जिन तक। सो 1000 रुपए का नोट फॉर एग्जांपल जो कि 29 रुपीस में इंडिया में बनता है, पाकिस्तान में 39 रुपीस में बनता था उसका फेक नोट, और वो उसे बेचते थे 350 से 400 रुपए में। एंड माइंड यू, ये मार्जिन भी कस्टमर कंट्री के हिसाब से चेंज होते रहता था।
तो फॉर इंस्टेंस इंडिया में अगर वो नोट बिक रहा है तो वो 500% से 1000% के मार्जिन तक बिकेगा, और अगर नेपाल या बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में बिक रहा है तो 1000 से 1500% तक के मार्जिन में बिकेगा। और इसी FICN नेटवर्क से पाकिस्तान एक साल में 500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। पर जब नवंबर 8 2016 को भारत में डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ, ये स्टॉक एक ही झटके में रद्दी बन गया। बट एज यू ऑल नो, जो कि काफी शॉकिंग भी था कि पाकिस्तान के लिए ये इतना प्रॉफिटेबल था कि फेक करेंसी खुद पाकिस्तान के पंजाब और बलूचिस्तान प्रोविंस में गवर्नमेंट प्रेस में प्रिंट होती थी। यस, पाकिस्तान के लिए जैसे एक नेशनल करेंसी प्रिंटिंग का पार्टी हो गया था। और इसीलिए जब पाकिस्तान अपनी करेंसी प्रिंट करने के लिए इंक और CWBN पेपर इंपोर्ट करता था, वो रिक्वायर्ड डिमांड से अक्सर ज्यादा बड़ा ऑर्डर होता था, और फिर साइमल्टेन ड्यूअल ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन में वो अपने करेंसी के बाद इंडियन करेंसी को प्रिंट करता था। अब वैसे तो ये फेक करेंसी की क्वालिटी रियल करेंसी जितनी अच्छी नहीं होती थी, पर RBI और IB ये दोनों का कहना है कि देखने में इतने सिमिलर लगते थे कि लोगों को मिसलीड करना काफी आसान हो जाता था। सो प्रिंट होने के बाद शुरू होता है स्मगलिंग का प्रोसेस, जो अलग अलग स्टेजेस में प्रॉपरली डिवाइडेड है। सो सबसे पहले तो ISI खुद ही होलसेलर्स को ढूंढती है, जो फिर इन पैसे को स्मगलर्स तक लेकर जाते हैं। फिर ये स्मगलर्स कराची से इन 6 कंट्रीज में जाने वाली फ्लाइट्स को और उनमें जाने वाले कुरियर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और अकॉर्डिंगली फेक करेंसी के कंसाइनमेंट्स को इन कुरियर्स के साथ अटैच कर देते हैं। अब कंसाइनमेंट के लैंड करने के बाद अब बारी आती है स्टेप नंबर 3 की, जिसमें इन 6 कंट्रीज से काठमांडू नेपाल या ढाका बांग्लादेश जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट्स में ये कंसाइनमेंट्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फिर अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद स्टार्ट होता है उस देश में ऑपरेट कर रहे स्मगलिंग सिंडिकेट्स का असली काम। ये लोग इन कंसाइनमेंट को फटाफट छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड करते हैं, यूजुअली 1 लाख से भी कम, जिससे कि इंडियन बॉर्डर्स को क्रॉस करना काफी आसान हो जाए और किसी को भी कोई शक ना हो। और फाइनली फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इस फेक करेंसी को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे कि रूरल एरियाज, कैटल मार्केट या रियल एस्टेट के ब्लैक ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, जहां लोग इजीली ट्रैप हो जाते हैं। मगर सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान फेक नोट्स के अलावा हार्मफुल एडल्ट्रेंट्स और ब्रिक डस्ट से मार्केट में मेडिसिन भी बनाकर बेच रहे हैं, और इसी के चलते लोगों को सही इलाज तो मिलना दूर, इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे हार्ट डिजीजेस, हेयर ग्रोथ और रिड्यूस्ड बियर्ड एटसेट्रा। ये साइड इफेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग और जेनेटिकली भी ट्रांसफरेबल है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है एक ट्रस्टेड और वेरीफाइड सोर्स से मेडिसिन लेना। और आज ये जेनेटिक्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से रिड्यूस्ड हेयर ग्रोथ इन मैन के इशू को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, वो भी बिना कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के, जिसके लिए मैन मैटर्स बियर्ड मैक्स। सो इससे पहले हमने फेक मनी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, लेकिन ये तो सिर्फ एक नेटवर्क के जरिए है, एक और एक नेटवर्क है जो है टेररिस्ट और हवाला के थ्रू। एक बार माजिद बिलाल नाम के टेररिस्ट ने इंटरोगेशन के वक्त ये रिवील किया था कि पाकिस्तानी एजेंसीज का मैंडेटरी रूल है कि जब भी कोई टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस करेगा तो उसे अपने साथ फेक करेंसीज भी लेकर जाना। ये टेररिस्ट इन बॉर्डरिंग स्टेट्स के रास्ते फेक करेंसीज को इंडिया में लेकर आते हैं, और फिर राजस्थान, यूपी, आंध्र और महाराष्ट्र में इसे ओरिजिनल नोट्स के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, एंड एज वी डिस्कस्ड एट अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस। इनफैक्ट माजिद ने तो ये भी बताया कि 2007 के हैदराबाद ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए 5 करोड़ रुपए भी इसी तरीके से फेक करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही आए थे, मगर ये इकलौता ऐसा जरिया नहीं है। इसके अलावा हवाला भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट रूट है FICN के इंडिया में लाने का, और इसीलिए कई IB ऑफिशियल्स का तो ये भी कहना है कि इस रैकेट का हैंडलर दरअसल दाऊद इब्राहिम है, जो दुबई से आने वाले ट्रैवलर्स के थ्रू ये सब स्मगलिंग करवाता है। अब इस पूरे रैकेट के बारे में हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते दाऊद के सबसे करीबी दोस्त जावेद खानी की फेक नोटों की फैक्ट्री के बारे में। सो दिसंबर 2016 इंडिया में डीमोनेटाइजेशन होते ही एक कराची बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन खानानी एंड कालिया इंटरनेशनल मनी चेंजर्स के डायरेक्टर जावेद खानानी ने खुदकुशी कर ली। अब खानानी वो इंसान है जिसने 2006 से उसके मरने तक यानी सिर्फ 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए की फेक करेंसी इंडिया में डंप की थी। अब इसका मरना इंडिया के लिए इसीलिए इतना प्रॉफिटेबल साबित हुआ क्योंकि पूरे फेक करेंसी मार्केट का 40% सप्लाई इसी के थ्रू जाता था। इस कंपनी की शुरुआत 1983 में हुई थी, और देखते ही देखते ये फर्म फॉरेक्स मनी ट्रांसफर करने वाली टॉप ऑर्गेनाइजेशन बन गई। लेकिन KKI का असली प्रॉफिट इंडिया में फेक इंडियन करेंसी को पेनेट्रेट करने में था, जिसमें वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के वजह से सक्सेसफुल हुआ। इनफैक्ट US रेगुलेटरी द फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क ने भी ये ओपनली प्रूव किया कि खानानी और दाऊद के बहुत अच्छे रिलेशंस थे, और वही उसका एक टॉप फाइनेंसर भी था। इनफैक्ट KKI के मदद से ही दाऊद लश्कर-ए-तौबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फेक पैसे भी पहुंचाता था। ये सब की शुरुआत हुई 1986 में, जब दाऊद इंडिया से भागकर पाकिस्तान चला गया। उसके बाद भी उसने इंडिया में क्राइम्स और एंटी इंडिया ऑपरेशंस करना नहीं छोड़ा, ताकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वो खुश रख सके और उसे उस देश में प्रोटेक्शन मिलते रहे। अब ऐसे ही पाकिस्तान को अपीस करने के लिए दाऊद ने ISI से भी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी इंडिया में नकली रुपए पंप करने की।
दाऊद के महाराष्ट्र में अच्छे कनेक्शंस होने की वजह से वो इंडिया में मेजर फेक करेंसीज भी यहीं पर उतारता था। तो इस रैकेट का मोडस ऑपरेंडी कुछ ये था कि दुबई बेस्ड दाऊद के दो ट्रस्टेड एसोसिएट्स अफताब भक्ति और बाबू गैठान दुबई से इंडिया में फेक रुपए पहुंचाने के लिए सोली रिस्पॉन्सिबल था और इनके मेजर टारगेट्स थे दुबई से इंडिया आने वाले वर्कर्स। इन वर्कर्स को कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव्स ऑफर करके ये उनसे एक पार्सल इंडिया पहुंचाने की बात करते थे और जब वर्कर्स मान जाए तो उन्हें अलग अलग चीजों में जैसे कार्बन पेपर के रोल में, परफ्यूम बॉटल्स में कवर करके या फिर कपड़ों में छुपा कर फेक करेंसीज को इंडिया में इनफिल्ट्रेट करवाते थे। पर अब सिचुएशन काफी बेटर है, ये रैकेट अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसीलिए आज पाकिस्तान की जो हालत है वो किसी से छुप नहीं रही है। आपको पता ही होगा पाकिस्तानी करेंसी आज दुनिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में से एक बन गई है और इस सबसे बचने का वन एंड ओनली तरीका है IMF का $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज। पर इसे पाने के लिए भी पाकिस्तानी सरकार को अपने लोगों से 170 बिलियन रुपीस वर्थ के टैक्सेस को कलेक्ट करना होगा, जो ऑनेस्टली इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है। खैर, मैंने अराउंड 3 महीने पहले अपने इस वीडियो में पाकिस्तान की बिगड़ती इकोनॉमिक सिचुएशन को स्पेक्यूलेट तो किया था, पर इस कोलैप्स के पीछे इंडिया का डीमोनेटाइजेशन एक छुपा हुआ तीर था जिसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के डिप्यूटी CM डॉक्टर निर्मल सिंह का ये कहना है कि पाकिस्तान में उनकी खुद की करेंसी से भी ज्यादा नोट्स इंडियन करेंसी के प्रिंट होते हैं और तो और होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के हिसाब से तो ये फेक करेंसी टेररिस्ट के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करते हैं। टेररिस्ट ही नहीं, ISI के लिए भी ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम थे। बट देन 2016 में हुए डीमोनेटाइजेशन के बाद लुक एट दिस ग्राफ। कुछ टाइम तक तो पाकिस्तान इस रिजर्व ऑक्सीजन पर चलता रहा, पर वंस इट गॉट एग्जॉस्टेड तो पाकिस्तानी करेंसी तेजी से गिरने लग गई और इसी के साथ साथ टेरर फंडिंग पर भी एक मेजर झटका पड़ा। डीमोनेटाइजेशन के बाद ISI को पूरे 3 साल लग गए अपने स्मगलिंग रूट्स को वापस ऑपरेशनल करने में, पर इसका क्या फायदा, वो आज भी इंडिया की न्यू करेंसी का डुप्लीकेट बनाने में नाकामयाब है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के अनुसार जितने भी FICN लेटली सीज हुए हैं वो लिटरली स्कैंड या फोटोकॉपीड नोट्स हैं, जिनमें कईयों का तो सीरियल नंबर तक सेम है। सो इससे पहले हमने फेक मनी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, लेकिन ये तो सिर्फ एक नेटवर्क के जरिए है, एक और एक नेटवर्क है जो है टेररिस्ट और हवाला के थ्रू। एंड इंटरेस्टिंगली डेक्कन हेराल्ड के एक रिपोर्ट के हिसाब से तो डीमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद जम्मू एंड कश्मीर में तो स्टोन पेल्टिंग भी ऑलमोस्ट निल हो गई और इसके पीछे का रीजन एक्चुअली ये था कि पहले तो जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को आर्म्ड फोर्सेस पर स्टोन्स फेंकने के लिए ₹500 दिए जाते थे और इससे भी ज्यादा सीवियर एक्ट्स को कमिट करने के लिए ₹1,000। बट डीमोनेटाइजेशन के बाद ये सभी चीजें भी रुक गई क्योंकि सेपरेटिस्ट के पास इंस्टेंटली इन एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए फंड्स ही अवेलेबल नहीं था। यानी ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो इंडिया के डीमोनेटाइजेशन और पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसीज की वजह से वो पूरी तरीके से प्रॉब्लम से घिर गया है। सो मच सो कि आए दिन वहां पर सिविल वॉर्स हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर सिचुएशन नहीं संभली ना तो पाकिस्तान को 3 हिस्से में बंटने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा क्यों होगा और उसके बाद पाकिस्तान की क्या हाशिए होगी, ये हमने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर किया है, जिसे आपको बिल्कुल चेक करना चाहिए अगर आपको सिचुएशन को डिटेल में समझना है तो। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। हम में से कितने लोगों को ये बात पता होगी या हम जानते थे कि भाई ये डीमोनेटाइजेशन एक छुपा हुआ तीर था पाकिस्तान के लिए। वैसे हमने सोचा नहीं था, बट आप देख रहे हो कितने हलकट लोग हैं, ये लोग कितने हलकट हैं। आतंकवाद का ओरिजिन पाकिस्तान, फेक करेंसी का ओरिजिन पाकिस्तान, दुनिया भर की जितनी गंदगी का ओरिजिन पाकिस्तान। कहाँ लेके जाओगे इतने अमल को अपने, कहाँ लेके जाओगे अपनी इतने पाप की गठरी, बताना हमें हैं। पर देखो, बाप बाप होता है ये तो इंडिया ने साबित कर ली। लग रही होगी तुम्हें मिर्ची, आ जाओ इस पर भी दे दो रिएक्शन। क्यों, तुम लोगों को तो हाय तौबा ही मचाना होता तो दे दो रिएक्शन फिर तो। भाई इंडिया ने दिखा दिया ना कि बाप बाप होता है तो कूदो उतना ही जितना तुम्हारी औकात हो। तो तुम्हारी असलियत ऐसे दुनिया के सामने आ रही है, धीरे धीरे तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम वो ड्रोन भेज के, सांसद हमला करके, कसाब को भेज के, ये करके इंडिया को बर्बाद कर दोगे। यार जितने तुम्हारी कंट्री का पॉपुलेशन है ना, इंडिया के एक स्टेट में आ जाओ, किसी भी स्टेट में लगभग उतना ही है। तो मचमचाओ मत ज़्यादा, ठीक है, कम कम में बेहतर करो। और अगर सच में तुम अपनी कंट्री के लिए अच्छा चाहते हो ना, तो ट्रस्ट मी, वर्क फॉर योर ओन कंट्री। अपनी कंट्री के लिए आप काम करो, अपनी कंट्री के बारे में सोचो। लिटरली बता रही हूँ, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं होगा, बट इंडिया के पीछे मत पड़ो।
और जो भाई मुझे यहाँ पर कहते हैं ना कि आप क्यों पीछे पड़े रहती हैं पाकिस्तान के, ये वो, जिस दिन पाकिस्तान पीछे पड़ना छोड़ देगा मैं खुद छोड़ दूंगी पीछे पड़ना, तब तक के तो मेरा रिएक्शन चलता रहेगा और इनकी सुझाई होते रहेगी। तो जिनको बुरा लगे तो भी अच्छा, जिनको भला लगे तो भी अच्छा, मेरा वीडियो देखते रहिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।